नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार पृथ्वी शॉ ने वापसी करी और एक ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करके पारी खेली है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप भी पृथ्वी शॉ को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय घरेलू क्रिकेट में अभी इस समय सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी खेली जा रही है, तो ऐसे में आज कई टीमों के अहम मुकाबले खेले गए, जिसमें मुंबई और आसाम के बीच में भी एक मैच हुआ। तो आइए चलिए जानते हैं पहले तो इस मैच के बारे में। दरअसल दोस्तों 8 महीने से प्रतिबंधित रहे पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों में 63 रन बना डाले और वहीं पृथ्वी शॉ का साथ देने आए आदित्य तारे ने भी शानदार बल्लेबाजी करी और उन्होंने 82 रन बना डाले और इन दोनों ने ही पहले विकेट के लिए 138 रन जोड़े, जो कि T20 क्रिकेट में काफी बड़ी साझेदारी मानी जाएगी। तो ऐसे में मुंबई की टीम ने पृथ्वी शॉ और आदित्य तारे की पारी की बदौलत 5 विकेट पर 206 रन बनाए और वहीं आसाम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए रियान प्रयाग ने 3 विकेट हासिल किए। और वहीं ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें कि इस ट्रॉफी के दौरान दिनेश कार्तिक ने भी काफी बड़ा धमाका किया और इस टूर्नामेंट में दिनेश कार्तिक अभी तमिलनाडु की तरफ से खेलते हुए हम सभी को नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक अर्धशतक जमाया और इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। तो ऐसे में भारत के बल्लेबाज सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है, क्या दिनेश कार्तिक और पृथ्वी शॉ को भारतीय टीम में शामिल कर लेना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।